अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तुषाम। आज हम लेके आए हैं Redmi Note 13 Pro, जो के काफी अर्से से पाकिस्तान की मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर आपको 256 GB वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है। इसमें अगर यार आप देखें तो आपको दूसरी कंट्री के अंदर 512 GB वाला वेरिएंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये यार डिवाइसेस कुछ आई हैं पाकिस्तान के अंदर, लाहौर की मार्केट के अंदर भी आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि आपको बगैर बॉक्स के साथ देखने को मिलती हैं, लेकिन इसका ऑफिशियल पीडीए टैक्स पेड है। ये ओरिजिनल पीडीए वाली डिवाइसेस हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप खाली डिवाइस भी ले सकते हैं, जिनको हम किट फोन्स भी बोलते हैं। किट फोन का मतलब ये नहीं है कि यार आपको उन्होंने कोई बॉडी शॉडी चेंज करके फोन को दिया। बॉक्स के साथ जब फोन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि यार खाली फोन जो है वो किट फोन ही कहलाएगा, उसका बॉक्स नहीं है। तो वो लोग समझते हैं कि शायद पता नहीं कॉपी शॉपी शायद ये बेच रहे हैं, तो इसलिए आप फोन को बाय कर सकते हैं बगैर बॉक्स के। ओरिजिनल चार्जर इसके साथ आप बाय कर लीजिएगा। अगर आप इसके पाकिस्तान के अंदर प्राइस देखें इस टाइम खाली किट फोन के, तो ये आपको तकरीबन 60 से 65 हजार के अंदर 256 GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। मैंने इस फोन को यार टेस्ट भी किया, मुझे इसका ग्राफिक्स काफी अच्छे लगे, इसका डिस्प्ले काफी अच्छा देखने को मुझे मिला। लेकिन एक और चीज है कि यार ये गेमर फोन के लिए नहीं बना के यार आप गेमर जो है इस फोन के ऊपर वो चलेंगे, क्योंकि 40 FPS पबजी के अंदर देखने को आपको मिलेंगे, तो इसलिए यार पबजी के लिए ये जरा दूर ही रहे। हाँ, एक चीज है कि इतने पैसों के अंदर अगर आपको 200 MP कैमरा देखने को मिले तो ये काफी अच्छा है, जो कि इतने प्राइस टैग के अंदर आपको 200 MP कैमरा नहीं देखने को मिलता, जो कि Xiaomi Redmi ने दिया है इसके अंदर। यार अगर इसकी बिल्ड की मैं बात कर लूं तो IP54 इसके अंदर इन्होंने रेटिंग दी है। अगर आप यार प्रो मॉडल बनाते हैं तो कुछ चीजें यार मैं डिस्कस करने का मकसद ये है, इतनी अरसे बाद रिव्यू देने का मकसद ये है कि मैं आपको रिव्यू वो वाला दूं कि यार आप लोगों को भी समझ लगे कि यार इत्तेहाम जाहिरी बात है कोई सच्ची बात बता रहा है। चलिए शुरू करते हैं, तो इसलिए वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आपके काम आने वाली है, क्योंकि आपने फोन को बाय करना है, मेरे पास ऑलरेडी है। स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि यार उसके अंदर मैंने क्या उसकी ऐसी चीज बताई कि यार जिसकी वजह से आपने फोन को बाय करना था या फोन को बाय करना था, ठीक है। तो सबसे पहले जी ये देखिए 54 रेटिंग की बजाय यार 68 रेटिंग देता तो काफी अच्छी थी, क्योंकि ये प्रो वाली क्वालिटी है, तो प्रो में प्रीमियम फ्लैगशिप मजा लेना चाहिए ना। प्लास्टिक की इसकी बैक है, अगर ये ग्लास लगाता तो यार इससे काफी अच्छी इसकी लुक आनी थी, क्योंकि कॉर्निंग रिला ग्लास यूज किए जाते हैं, और प्लास्टिक लगाने की वजह ये है कि यार इसमें लाइट वेट इसको किया जाए, तो लाइट वेट की खातिर इन्होंने प्लास्टिक की बैग को लगा दिया, लेकिन इसके ऊपर स्क्रैचेस जल्दी बढ़ेंगे निस्बतन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से। भाई मजा आया, तो एक चीज ये थी, लेकिन डिस्प्ले का रिजल्ट बहुत अच्छा है, डिस्प्ले काफी स्मूथ चलता है। मैंने इसके हैप्टिक को टच जो है वो यूज किया, हैप्टिक इसका काफी जो है वो अच्छा वर्क करता है। इतने पैसों के अंदर आपको जो इसके टिक है वो काफी अच्छी देखने को मिलती है। ड्यूल बैंड स्पीकर इसका देखने को मुझे मिला, क्योंकि काफी अच्छा रिस्पांस करता है। इसकी एप्लीकेशन क्लोन फोन यूज किया था, उसके अलावा भी मैंने यार आपको आईफोन से एंड्रॉइड के अंदर भी मैंने बताया था। इसके बाद अगर यार इसकी स्क्रीन साइज की मैं बात कर लो तो स्क्रीन साइज हमें देखने को मिलता है जी 6.6 इंच। इन्होंने एंड्रॉइड 13 के अंदर इसको लॉन्च किया, MIUI 14 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यार रेडमी जो कहता है कि जी हम इसको अपडेट करेंगे, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये फोन अपडेट हो। अगर इसमें बात कर लें तो जी कलर हमें कौन कौन से देखने को मिलेगा। इस टाइम मेरे पास जो कलर है जी, ये मेरे पास है जी मिड नाइट ब्लैक, इसके बाद आपको लेवेंडर पर्पल देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको फॉरेस्ट ग्रीन देखने को मिलेगा। तो जी ड्यूल बैंड सिम इसके अंदर देखने को मिलती है, सिग्नल काफी तगड़े देता है, लेकिन ये फोन आपको 5G के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? इसके बाद यार अगर आपको मैं प्रोसेसर की बात कर दूं, मीडियाटेक हीलियो G99 इसके अंदर दिया गया है। ग्राफिक कंट्रोल करने के लिए G57 माली जो है वो यूज किया गया है MC2। देखें अगर हार्डवेयर थोड़ा सा अच्छा होता ना तो ये फोन मेरा भी काफी फेवरेट फोन होता। डिस्प्ले जी आपको इसके अंदर एमोलेड देखने को मिलता है, 1 बिलियन कलर इसके अंदर देखने को मिलते हैं, मल्टी टचेस इसके अंदर देखने को मिलते हैं, 1220 इसके अंदर आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। पीपीए डेंसिटी की बात कर लें तो यार 404 पीपीए डेंसिटी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, शॉर्टकट हम इसको बोलते हैं पीपीआई डेंसिटी। अगर आप इसको फुल फॉर्म में बात करें तो जी पर पिक्सल इंचेस इसको हम बोलते हैं, 1 इंच के अंदर जितने पिक्सल्स होते हैं। कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता, इसलिए मैंने कहा यार आप लोगों को भी ये बात शेयर कर दूं ताकि उनको भी नॉलेज में आ जाए। 120 Hz का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाता है, काफी अच्छा वर्क करता है। मैंने बोला है कि ये डिस्प्ले के लिहाज से फोन मुझे काफी अच्छा लगा।
तो जी इसके बाद आप नेट्स की बात कर ले जी, 500 नेट्स इसके अंदर भी देखने को मिलेंगे, 100 नेट्स भी HBM के अंदर देखने को मिलेंगे, 1300 नेट्स आपको काफी अच्छे नेट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप बे लाइट के अंदर इस फोन को यूज करते हैं तो काफी अच्छे आपको कलर प्रोवाइड करेगा। आप इसका डिस्प्ले भी अगर डिम करके देखें तो फिर भी आपको इसका डिस्प्ले देखने को मिलेगा कि हाँ यार इसके, लेकिन डे के अंदर आपको थोड़ा सा, जाहिर बात है सूरज की रोशनी में थोड़ा सा आपको जरा गौर से देखना पड़ेगा, लेकिन ये है कि काफी अच्छा वर्क करता है क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले के साथ है। अच्छा जी, ट्रिपल कैमरा सेटअप इन्होंने दिया है जिसमें 200 मेगापिक्सल काफी अच्छा इन्होंने अट्रैक्टिव बनाया है। फ्रंट कैमरे की बात कर लो तो यार फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। कैमरा इसका नॉर्मल है, कुछ इतना खास नहीं है, क्योंकि 200 मेगापिक्सल अगर इन्होंने दिए हैं तो ये वो वाले मेगापिक्सल नहीं है जो आईफोन के अंदर आते हैं या जो आपको सैमसंग के अंदर देखने को मिलते हैं। हाँ, अगर क्वालकॉम लगा होता तो ये 200 मेगापिक्सल वाला कैमरा बहुत अच्छे तरीके से वर्क करना था अगर क्वालकॉम प्रोसेसर होता तो। बैटरी बैकअप की बात कर ले तो यार 5000 mAh आपको देखने को मिलेगा, तकरीबन 67 वाट वायर्ड फास्ट बैटरी के साथ आपको ये चार्ज करके दिखाएगा। अगर आप यार इनकी एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक देखें तो जी 46 मिनट्स के अंदर अंदर जी ये कहता है जी 100% मैं फोन को चार्ज कर दूंगा इसके अपने अडाप्टर के साथ। तो कोशिश करें यार अडाप्टर इसका आप ओरिजिनल ही बाय करें। तो जी ये फोन हमारे पास जो है वो इस टाइम अवेलेबल है, इसमें अगर 512 GB वाले आए तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने किस शॉप से जाके ये फोन को बाय करना है। तो यार देखें, इस फोन के ऊपर इतनी लेट वीडियो बनाने का मकसद ये था कि यार इसको मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूं, थोड़ा सा चेक कर लूं कि यार ये हार्डवेयर के लिहाज से, क्योंकि मैं ज्यादा प्रेफर उस फोन को करता हूं जो कि हार्डवेयर के ऊपर काफी काम करते हैं। तो मैं बार बार यही बता रहा हूं आपको कि अगर हार्डवेयर के ऊपर थोड़ा सा काम करते, क्वालकॉम प्रोसेसर इसके अंदर यूज कर देते या इसके अंदर ये हीलियो जो है वो काफी अच्छा चिपसेट यूज कर देते, काम थोड़ा सा चल जाना था। 40 FPS के अंदर तो आप पबजी नहीं खेलेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा मजा तो आएगा यार 40 FPS के अंदर। डिस्प्ले इसके काफी ब्राइट आपको देखने को जब मिलेंगे, जायरो हार्डवेयर आपको पबजी के अंदर देखने को मिलेगा। तो आई होप कि यार आपको वीडियो समझ आ गई होगी कि आपने फोन किस बंदे ने लेना है और किस बंदे ने नहीं लेना। फोन अच्छा है, फोन की लुक काफी अच्छी है, मुझे लुक के लिहाज से भी अच्छा लगा, इसका डिस्प्ले के लिहाज से मुझे फोन अच्छा लगा। इसके कैमरे के यार देखें, काफी इन्होंने अपनी ही शेप के साथ इन्होंने बनाए हैं। अगर आप पाउच भी इसके अंदर प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं तो इसके कैमरा लेंस जो है वो काफी बाहर रहेंगे। इसकी प्रोटेक्शन के लिए, कैमरा ग्लास की प्रोटेक्शन के लिए आपको इसके ऊपर भी प्रोटेक्शन की लेयर लगवानी पड़ेगी, यहाँ आपको ग्लास लगवाने पड़ेंगे, यहाँ ऊपर इसके ऊपर एक शीट रैप इसके ऊपर लगवाना पड़ेगा ताकि ये इसके कैमरा ग्लास जो है इसके ऊपर स्क्रैचेस ना पड़े। बाकी कैमरे के रिंग्स अगर आप देखें तो यार कैमरे के रिंग्स वो काफी नीचे हैं, कैमरे के रिंग्स को तो कुछ नहीं होने वाला। तो आई होप कि यार मैं अब वीडियो को बंद करने लगूं ताकि यार मुझे आप लोगों का भी ख्याल है कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, और मुझे अपने गले का भी ख्याल है कि यार मेरा गला जो है वो बैठ ना जाए, क्योंकि मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूं, इससे पहले एक और वीडियो बना चुका हूं जो मैं इससे पहले ही अपलोड कर दूंगा। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, जल्द हाजिर होंगे, मुझे तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।